हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, मारुति सुजुकी की सियाज है, 2017 का मॉडल है। तो इसका जो है ना गाड़ी, अभी जैसा कि देख पा रहे हैं आप, गाड़ी चालू है बट इसका हीटर हाई पे रखा हूँ, हीटिंग टेम्परेचर आ ही नहीं रहा है। 29 जो कि बाहर का ही क्लाइमेट, आउटसाइड का ही टेम्परेचर देख रहे हैं आप, 27 डिग्री है, लेकिन बट इसका हीटर चल ही नहीं रहा है। तो इस वजह से मैं इसका हीटर कॉइल रिप्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि इसका हीटर कॉइल जो है ना जाम हो चुका है। इस वजह से इसका डैशबोर्ड खोल के इसका हीटर कॉइल रिप्लेस करने वाला हूँ। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा मेरे को, वो सब चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या खोलना पड़ रहा है। तो आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या खोला जा रहा है, खोलना पड़ता है। तो इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलूंगा और उसके साथ साथ हीटर कॉइल का प्राइस कितने में आता है वो सब चीज़ें मैं भी बताऊंगा आपको। और इससे पहले मैंने 2016 का CNG प्लस पेट्रोल का वीडियो बना चुका हूँ। ये है 2017 का मॉडल, सिर्फ पेट्रोल कार है। तो इसका मैं डैशबोर्ड खोलने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल देता हूँ, फिर बैटरी की वायर निकाल के फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो फिर बैटरी की वायर निकाल के आता हूँ मैं। तो मैं फाइनली इसका बैटरी की वायर निकाल चुका हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये वाला कंसोल बॉक्स खोलना पड़ेगा, कंसोल बॉक्स का सेटअप, उसके बाद ही आगे कुछ खोलूँगा। तो कंसोल बॉक्स खोलने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हाथ डालने का, इस तरह से खींचेंगे, हैंड ब्रेक ऊपर ले लेंगे, जितना ऊपर आएगा निकल गया, उसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो दो स्क्रू देख रहे हैं, ये दोनों खोलता हूँ, और पीछे दो स्क्रू दिया रहेगा इधर और इधर दिया रहेगा, ये खोल के ये बाहर आ जाएगा, फिर इसके बाद ये वाला खुलेगा। तो मैं ये खोल के इसको बाहर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ये दोनों स्क्रू और पीछे का भी स्क्रू मैं खोल चुका हूँ, और उसके बाद एक सॉकेट रहेगी, ये पीछे की लाइटर का सॉकेट है ये। उसके बाद खोलने के बाद ये इजीली निकल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे आ गया, इसको मैं पीछे होल्ड कर देता हूँ। उसके बाद जो है ये वाला सेटअप निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले ये जो बॉक्स बॉटल वगैरह होल्ड करने के लिए दिया है ये वाला, इसको निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको दौर से कटाएंगे, यहाँ निकल जाएगा, ये निकल चुका। अब क्या दिख रहा है मेरे को, इधर कुछ तो दिख नहीं रहा है, कुछ रहेगा भी नहीं। साइड का पैनल रहा ये, इजीली निकल जाएगा। स्विफ्ट डिजायर में जैसे दिया सेम, इसमें भी ऐसे ही दिया है। स्विफ्ट में जो जैसे देता है सेम टू सेम ऐसे ही दिया है। ये खुल गया, अब मेरा इसको आगे खींचेंगे, ये निकल गया सेम टू सेम, इस साइड का भी वैसे ही निकलेगा। तो खींचेंगे आगे, इसको एक स्क्रू दिया है, सॉरी यहाँ स्क्रू दिया है, इसकी वजह से निकलने का। तो ये स्क्रू खोल देता हूँ मैं, इस साइड भी दिया है स्क्रू निकला हुआ था, तो इसको खोल के फिर मैं ये निकाल के फिर आगे दिखाता हूँ आपको। स्क्रू का लोकेशन देख लीजिए आप, यहाँ दिया है सेम, इस साइड यहाँ दिया है, दिया रहता है। तो स्क्रू निकाल चुका हूँ, ये भी अपना निकल जाएगा, निकल गया। अब ये वाला जो सेटअप देख रहे हैं, एक स्क्रू यहाँ और एक स्क्रू यहाँ खोलेंगे तब ये बॉक्स निकलेगा आपका। इसमें दो सॉकेट रहेगी, एक लाइटर की सॉकेट है ये वाली, और ये खाली है, ये कुछ नहीं है, तो एक ही सॉकेट रहेगी उधर। तो ये खोल के दोनों स्क्रू, फिर इसको मैं बाहर लेके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली देख रहे हैं आप, ये स्क्रू खोल दिया हूँ, और इसको अब आगे खींचेंगे निकल जाएगा। ये गियर का बहुत मसला रहता है इसका, ऑटोमेटिक का, ऑटोमेटिक गियर का क्या मसला रहता है कि आप एक बार इसको बैटरी की वायर निकाल देंगे तो ये निकलेगा नहीं, ये गियर शिफ्ट चेंज करेंगे तो चेंज होगा नहीं। तो इससे पहले आपको अगर एक दो पे गियर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, डी पे या फिर टू पे ले लेना, ताकि ये चीज़ आसानी से खुल जाए आपका। तो मैं इसको अभी दूसरी तरीके से खोलूँगा, क्योंकि बैटरी की वायर तो वापस लगाऊँगा नहीं। यहाँ पर एक ये दिया हुआ रहता है, लॉक रहता है, उसको दबाने के बाद ये निकल जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो चलो फिर मैं बाहर निकल के आगे आपको दिखाता हूँ।
तो मैं ये दोनों सॉकेट इसको निकाल के दोनों सॉकेट निकाला हूँ। ये दो सॉकेट रहते हैं ये वाली बॉक्स में, पीछे दिखा देता हूँ सॉकेट कहाँ लगता है। ये देख रहे हैं एक लाइटर की और एक ये वाली सॉकेट दिया है, लाइट की है, ये लाइट लेगा वो इसी का है। तो चलो फिर इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ, उसके बाद अब अपने को खोलने की ज़रूरत क्या है, ये डक्टिंग को खोल देता हूँ, डक्टिंग को खोल के गियर बॉक्स को खोल के पलटी मार देता हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला एक यहाँ लॉक दिया है, उसके बाद ये वाला दोनों 10 नंबर खोल के ये पट्टी बाहर ले लूँगा और उसके बाद ये निकल जाएगा डक्ट। निकलने के बाद गियर बॉक्स का खुल जाएगा, इसको पलटी मार दूंगा, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली सबसे पहले मैं ये डक्टिंग निकाल दिया, ये वाला खोल गया हूँ, खोल के इसको इधर ही होल्ड कर दिया हूँ, जो 10 नंबर था इसमें खोल के होल्ड कर दिया हूँ। उसके बाद ये डक्टिंग निकाल दिया हूँ, डक्टिंग निकालने के बाद ये चारों चार रहेगा 12 नंबर, एक दो एक तीन एक चार, चारों खोलने के बाद इसको ऊपर उठाने का, ये तो लग रहा है ऐसा लग रहा है लेकिन लग नहीं रहा कहीं, निकल जाना चाहिए। निकल गया जैसा कि देख पा रहे हैं। तो अब इधर का मेरा काम ख़त्म हो गया और बाकी रही ये रही 12 नंबर, चार बोल्ट दिया हुआ है यहाँ और इस साइड भी 12 नंबर चार बोल्ट दिया हुआ रहता है। तो ये चारों बोल्ट खोल के ये वाला पट्टी निकालूंगा, तो फिर निकालने के बाद फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली चारों बोल्ट खोल चुका हूँ, ये वाली पट्टी निकाल दिया हूँ, सेम इस साइड का निकल चुका, चार बोल्ट रहता है 12 नंबर, अब ये निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, साइड का पैनल निकाल दें, निकल गया। अब उस साइड का भी पैनल ऐसे ही निकलेगा, तो ये सब चीजें मैं निकालता हूँ, निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोनों साइड का ये खुल गया पैनल, तो ये वाली सॉकेट खोलना पड़ेगा, ये वाली 10 नंबर खोलना पड़ेगा आपको, उसके बाद ये वाला फाइबर जो खोलेंगे फ्यूज बॉक्स का कवर जो रहता है, इसमें तक तो फ्यूज बॉक्स दिया नहीं है, तो इसमें दो स्क्रू रहेगा, एक यहाँ और एक यहाँ रहेगा। खोलने के बाद इसको खींचेंगे निकल जाएगा, आगे देख पा रहे निकल चुका है। ये वाला भी खोलना पड़ेगा आपको, तो उसको खोलने से पहले ये वाला आपको पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये निकलेगा, निकल चुका है भी सेम टू सेम, उस साइड का भी ऐसा ही है। इसको खींचेंगे आप, निकल गया, उसके बाद इसको खींचेंगे निकल गया ये भी। अब आगे आपको क्या खोलना है, ये वाला नीचे का जो फाइबर दिया है फ्लोर के ऊपर, ये दो स्क्रू जो दिख रहा है, ये दो स्क्रू खोलेंगे ये निकल जाएगा। और आगे तो कुछ दिखाने वाला है नहीं मैं आपको, वह सब सॉकेट वगैरह 10 नंबर खोल के, उस साइड भी 10 नंबर दिया रहेगा जैसा कि इस साइड दिया है। तो ये सब खोलता हूँ, खोल के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं क्या क्या खोला हूँ इस साइड का, सबसे पहले पैसेंजर साइड का बता देता हूँ क्या क्या खोला हूँ आपको। नीचे एयरबैग मॉड्यूल दिख रहा है, ये वाला मॉड्यूल, ये वायर है, इससे कनेक्टेड है, यानी एंगल से कनेक्टेड है ये वायरिंग, तो ये सॉकेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो वायर देख रहे हैं ना आप, ये वायरिंग का सेटअप पूरा जो देख पा रहे हैं आप, ये निकालना पड़ेगा आपको। ये काहे काहे की है, एक हीटर मोटर का है और एक डायरेक्शन मोटर का है, एक ब्लोड की, सॉरी ये रेजिस्टेंस की है, ये ब्लोड की है, ये सब अंदर रहता है। तो ये खोलना पड़ेगा, सबसे पहले ये नल्ला खोलना पड़ेगा आपको, पैर के पास जो हवा आती है उसको खोलना पड़ेगा, उसको एक नीचे से स्क्रू दिया हुआ रहता है, ये वाला स्क्रू यहाँ रहता है, ये खोलने के बाद फिर ये सब सॉकेट निकलेगा। और ब्लोड की सॉकेट इधर है, तो वायर इधर यहाँ से खींचेंगे आप तो ये निकल जाएगा। उसके बाद इधर एक अर्थिंग का खोला हूँ, ये एयरबैग की सॉकेट है और एक काहे की है, ये अंदर वो गया हुआ है शायद पावर विंडो वगैरह करेंगे इसका है। उसके बाद ये दोनों 12 नंबर यहाँ का खुलना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ का खुलना पड़ेगा 10 नंबर,
और ये सॉकेट निकालना पड़ेगा। तो चलो इस साइड का मैंने आपको बता दिया, चलो अब उस साइड जाता हूँ, उस साइड दिखाता हूँ आपको मैं क्या क्या खोलना पड़ेगा। इस साइड का तो ये सब चीज़ मैं आपको दिखा दिया हूँ, बाकी ये वाली सॉकेट BCM का सॉकेट है, ये अर्थिंग का 2, ये खोलना पड़ेगा आपको। उसके बाद स्टीयरिंग यूनिवर्सल जॉइंट जो है ऊपर से खोल के स्टीयरिंग को लॉक करके ही निकालना, क्योंकि एयरबैग वाली गाड़ी है तो इधर उधर थोड़ा हो जाएगा तो रिंग टूटने का चांस है। और ये वाली केबल जो कि गियर को लॉक करने का रहता है वो वाली, यहाँ से सब खुल गया। अब अपने को सॉकेट दिखा देता हूँ आपको, ये वाली सॉकेट खोलना पड़ेगा आपको, बस डैशबोर्ड से जुड़ी जो वायरिंग है उसका सॉकेट, बाकी और कुछ खोलने की ज़रूरत है नहीं आपको, सब खुल चुका है। बाहर से एक 12 नंबर खोलना पड़ेगा और इस साइड का 2 12 नंबर। तो चलो फिर मैं आपको बाहर का भी दिखा देता हूँ, 12 नंबर कौन सा खोला हूँ वो दिखा देता हूँ, कॉल पैनल वगैरह खोलना पड़ेगा। तो चलो बाहर चलते हैं। तो बाहर देख पा रहे हैं कॉल पैनल वगैरह खुल चुका हूँ, और यहाँ रही 12 नंबर, ये वाला खोलना पड़ेगा। तो बाकी मेरा ऐसा खुल गया है, अब डैशबोर्ड बाहर ले लेता हूँ, फिर चलो आगे आपको आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया बाहर सब खोल दिया हूँ, वाइपर वगैरह कॉल पैनल वगैरह खोल के 12 नंबर खोल दिया हूँ। अब मेरा डैशबोर्ड हिल रही है, अब बाहर आ जाएगा। तो चलो फिर मैं बाहर लेके आगे आपको दिखाता हूँ। तो अपना पैनली डैशबोर्ड पलटी मार चुका हूँ, अब मेरे को क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकालने का है। तो इसके लिए मेरे को बाहर से हीटर का पाइप और एक्सपेंशन वाल के पास का जॉइंट, और अंदर से तो बोल्ट एक भी नहीं दिख रहा है, सब बाहर से दिया हुआ रहता है, इसको 5-6 रहेगा। तो वो खोल के फिर मैं इसको निकालता हूँ बाहर, निकाल के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर बाहर निकालता हूँ इसको मैं। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, बस बाकी कुछ नहीं, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो चलो फिर मैं बाहर लेता हूँ, बाहर लेकर के फिर आगे आपको दिखाता हूँ, बाहर भी दिखा दूंगा कौन सा क्या खोलना पड़ रहा है। वैसे स्विफ्ट में स्विफ्ट का जैसा सिस्टम रहता है वैसा इसका ही दिया रहता है, स्विफ्ट का हो गया, उसके बाद डिज़ायर का हो गया, सब उसका ही सिस्टम दिया हुआ रहता है, सियाज हो गया, उसके बाद मारुति की लगभग गाड़ियों में ज़्यादातर बाहर से ही बोल देता है, कोई कोई गाड़ी में अंदर से रहता है। तो चलो फिर मैं बाहर निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ बाहर से क्या क्या खोल रहा हूँ वो भी दिखा दूंगा। चलो फिर। तो बाहर से अपने को 1, 2, 3 खोलना पड़ा है, और एक यहाँ है 4, और एक उधर रहेगा 5, और ये एक्सटेंशन वाल का जॉइंट और हीटर का पाइप का जॉइंट, ये सब खुल चुका है, बाहर से सब खुल चुका है। तो चलो अंदर एक रहेगा वो खोल के फिर क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर निकल के फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने बाहर आपको दिखाया सब खोल चुका हूँ, 5 नट और एक ये वाला रहा है, ये खोलेंगे अपना क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर निकल जाएगा। टोटल 6 एरिया है, ये भी खुल चुका, अब अपना यूनिट बाहर आ जाएगा। देख पा रहे हैं बाहर आ गया। तो चलो फिर इसको मैं बाहर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो अपने को कुछ ज़्यादा कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका हीटर रिप्लेस कर रहे हैं, हीटर कॉइल, तो ये वाला डक्टिंग खोल देंगे और यहाँ एक स्क्रू रहेगा ये खोल देंगे और हीटर कॉइल बाहर निकाल देंगे, और ये रही नया वाला हीटर कॉइल। सबसे पहले आप इसका प्राइस देख लीजिए, 2528 रुपये है। ये रही इसका हीटर कॉइल ओरिजिनल है। तो चलो फिर मैं ये वाला खोलता हूँ, फिर इसको फिटिंग करके फिर आगे आपको खोलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये सब कुछ खोल दिया हूँ, यहाँ का स्क्रू और यहाँ का स्क्रू, ये नल्ला निकाल दिया हूँ, और ये हीटर कॉइल अपना बाहर आ जाएगा। देख पा रहे हैं हीटर कॉइल साफ दिख रहा है, लेकिन अंदर से इसका गया हुआ है, देख पा रहे हैं इतना मट्टी निकल रहा है खोलने के बाद, पूरा जाम हो चुका है, इसे भी आप देख रहे हैं। तो चलो नया वाला मैं फिटिंग कर देता हूँ। हो चुका, चलो तो सब स्क्रू वगैरह लगा देता हूँ सब फिट करके,
फिट हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ बराबर तरीके से फिट हो गया। जूनी वाली ये है, नया वाला फिट हो गया। तो चलो फिर इसको मैं गाड़ी में डाल दें, फिर अभी आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं ये क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट डाल चुका हूँ और बाहर से सब फिटिंग करना बाकी है। और मैं आपको ये वाली कूलिंग कॉइल वाली सेंसर निकालने के लिए बताना भूल गया था, तो ये भी निकालना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर अड़चन देगा। तो चलो फिर बाहर से फिटिंग करके फिर डैशबोर्ड मैं अंदर डाल के फिर अगली आपको दिखाऊंगा। तो चलो फिर बाहर का फिटिंग करके डैशबोर्ड डाल के दिखाता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड भी अपन डाल दिए, देख पा रहे हैं आप, डैशबोर्ड डाल चुका हूँ। तो चलो सब फिट करता हूँ मैं, एक एक पार्ट सब फिटिंग करके फिर बीच में एक बार दिखा दूंगा, और फिटिंग करने के बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, फाइनली डैशबोर्ड फिट होने को आया है, बस कंसोल बॉक्स का पट्टा लगाना बाकी है मेरा, बाकी सब फिट हो गया और बाहर का फिटिंग करना बाकी है। तो चलो ये सब फाइनली सब फिटिंग करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाइनली पूरी गाड़ी फिट हो चुकी है, बैटरी की वायर लगा भी दिया हूँ मैं, और देख पा रहे हैं। तो चलो फिर मैं बाहर आपको दिखा देता हूँ, लीक टेस्ट वगैरह हो चुका है, वैक्यूम में लग चुकी है गाड़ी एयर कंडीशन का। तो चलो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर भी। तो देख पा रहे हैं आप, वैक्यूम में लग चुकी है अपना, और अंदर का भी बाहर का भी सब फिट हो चुका है, प्रॉपर तरीके से सब फिट हो चुका है। तो चलो फिर मैं अंदर गैस मार के कूलिंग टेम्परेचर वगैरह गाड़ी के अंदर जाके दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट। तो हेलो गैस, फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, गैस वगैरह चार्जिंग करके गाड़ी अभी चालू पोजीशन में है, देख पा रहे हैं आप, एसी चालू रखा हूँ। कूलिंग टेम्परेचर सबसे पहले आप देख लीजिए 6.1 पे आ चुका है, यानी कूलिंग तो प्रॉपर पहले भी हो रहा था, हीटर नहीं चल रहा था, तो हीटर मैं हाई कर रहा हूँ, हाई पे हो चुका है हीटर। अब हीटिंग टेम्परेचर आप देखिए, हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, जो कि सुबह बढ़ ही नहीं रहा था हीटिंग टेम्परेचर, अभी आप देख पा रहे हैं बढ़ रहा है लगभग 40 तक जाएगा। ये हीटिंग का नहीं आना क्यों, क्योंकि ये हीटर कॉइल जो रहता है ना, एक साइड से जाम हो जाता है, मतलब कभी कभी क्या होता है, इधर से कूलेंट जाता है, जा करके इधर से वापस ये जो लाइनिंग दिख रही है ये पट्टे में से होकर के ये वापस आ जाता है, और इधर आ नहीं पा रहा है, आ नहीं पाता है, इसकी वजह से इधर हीटिंग टेम्परेचर नहीं आ रहा है, बस इतने में हीटिंग टेम्परेचर आता है। कभी कभी सामने वाली वेंट में आएगा, एक वेंट में आएगा दो वेंट में नहीं आएगा, ऐसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि हीटर कॉइल जाम हो जाने की वजह से। तो आप देख लीजिए हीटिंग टेम्परेचर 56 पे आ चुका है, एसी चालू है, एसी चालू पे भी आना चाहिए हीटिंग टेम्परेचर अगर आप चेक कर रहे हैं तो। किसी भाई का कहना है कि हीटिंग टेम्परेचर एसी चालू पे नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, अभी के लेटेस्ट कारों में ऐसा सिस्टम नहीं किया है, हीटर अलग कर दिया है, एसी अलग कर दिया है, यानी एसी चालू करेंगे तो भी हीटिंग आएगा और एसी बंद पे भी हीटिंग आएगा, दोनों में हीटिंग आएगा। तो हीटिंग टेम्परेचर थोड़ा बहुत इफेक्ट कम करेगा, अगर एसी आप चालू रखते हैं तो कंडेंसर फैन यानी रेडिएटर फैन दोनों चालू होता है, तो वो इसको रेडिएटर को गर्म यानी कूलेंट को गर्म कम होने देगा, फैन चालू रहेगा, तो बस उतने में थोड़ा बहुत हीटिंग टेम्परेचर कम आ सकता है, लेकिन बाकी दूसरा सिस्टम के एसी और हीटर दोनों मिक्स होके यानी ठंडा और गर्म मिक्स होकर के आता है अपने पास, ऐसा नहीं है। एसी चालू किए हैं आप, थोड़ी देर बाद वो ट्रिप कर देगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेंसर लगी रहती है, उधर से हवा पास ऑन कर ही नहीं रहा है अभी, इस वजह से। तो बाकी सब बराबर चल रहा है, मैंने आपको दिखाया अभी लाइव करके कि डैशबोर्ड खोल के और फिटिंग करके भी दिखाया। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो ना तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए, जब आपको चीजें समझ में आए ना तो फिर आपके लिए भी भलाई है, आपके लिए भी अच्छा ही है, बाकी आप कहीं भी काम करवाने जाएंगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।